अब हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे रे, सब लोग यहीं के हैं कि बाहर के हो। तो वीडियो पूरा जरूर देखना, महाराज जिस समय गया बिहार में है तो वीडियो पूरा जरूर देखना, देखिए महाराज जी क्या क्या कह रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट जय श्री राम जय बाकी सलाम। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे रे, सब लोग यहीं के हैं कि बाहर के हो, के हो। अरे बा बहुत बढ़िया। हाँ सीताराम के हो। अरे बा बहुत बढ़िया। हाँ सीताराम जय हो, माई हो, जय बागेश्वर धाम। जिया हो बिहार के लाला। हम भी बिहारी हैं भैया, सब लोग प्रसन्न रहो। हम अपने तिवारी जी के आए, संबोधी वाले कहाँ गए तिवारी, इनके तो जलवा है। हम ना मिले तो कम इनके प्राण खा सकते। हम इनको आगे इसलिए कर रहे हैं कि इनके प्राण खाओ, जितनी भी गलती हो सकती है इनकी हो सकती है, हमारी कोई गलती नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा सनातन एकता हो जाएगी। एक मिनट एक मिनट, हमने यही मांग की अभी अभी, हमने न्यूज पे भी मांग की, पत्रकारों को हमने कहा कि खुजली वाले देवता हरो, जैसे भक्त हो सकता है वैसे ही भारत में सनातन हिंदू बोध होना चाहिए। जब भक्त हो सकता है तो हिंदू बोध क्यों नहीं हो सकता है? भारत है हमारे भारत का भी तो भारत है सब लोग। अच्छा हम सामने अर्जी लगाएंगे, सीटी क्यों बजा रहा है, वहाँ कोई नाच रहा है क्या? सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। देवाय नमः। मनीमन बालाजी को, अपने अपने माता पिता को, अपने अपने गुरुदेव भगवान को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद कर देते हैं, महीने में दो महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है, बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है, रोग में संकट में व्याधि में पीड़ा